नमस्कार दोस्तों, फोन हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है धर्मेश और यह है वेनेसडे वीक ऑफ सीरीज का एक और एपिसोड। वेनेसडे वीक ऑफ सीरीज में आपके सवालों को देते हैं जवाब। तो आप भी चाहते हो कि आपका सवाल इस सीरीज में शामिल हो तो अपने क्वेश्चन को हैशटैग फोन हिंदी के साथ किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। तो ये सवाल है अर्जुन जी का, ये बोलते हैं मेरे पास A50 है, क्या इसको बदल के रियलमी एक्स लूँ या इसे इस्तेमाल करूँ। तो भाई मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि गैलेक्सी A50 अपने आप में कमाल का फ़ोन है। अगर आप इसे रीसेल करते हो फिर दोबारा से आप रियलमी एक्स लेते हो तो कोई बहुत बड़ा चेंज होने वाला नहीं है। हाँ, रियलमी एक्स का रियर कैमरा बहुत ज़्यादा अमेजिंग है लेकिन फ्रंट कैमरा उतना अच्छा नहीं है, और A50 का रियर कैमरा इतना भी बुरा नहीं है जिसके लिए आपको ये सब करना पड़े। ओवरऑल A50 अपने आप में एकदम कमाल का फ़ोन है। श्रीनिवास साहू जी का अगला सवाल, क्या गैलेक्सी A30 15,000 में लेना ठीक रहेगा, क्योंकि A50 का तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर बेकार है। सिर्फ फिंगरप्रिंट स्कैनर के लिए A30 ओके और नॉट, योर सजेशन हैशटैग फोन हिंदी। तो गैलेक्सी A30 और A50 में केवल फिंगरप्रिंट स्कैनर का ही चेंज नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है हार्डवेयर का भी और कैमरे का भी, और गैलेक्सी A50 अपने आप में बहुत कमाल का डिवाइस है। बाकी की बात रही फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है पिछले महीने का, उसके बाद फिंगरप्रिंट स्कैनर की परफॉर्मेंस एकदम कमाल की हो चुकी है। तो अभी वो चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बाकी का A30 इसके लिए वेट कर सकते हो, जो कि 17,000 रुपये के आसपास आने वाला है। मनोज जी का अगला सवाल, हैशटैग फोन हिंदी, धर्मेश भाई विद GPU बेस्ट। अब प्राइस की बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फ्लैगशिप में आपको GPU मिलता है वो बेस्ट होगा। बाकी का ब्रांड की बात करें माली पावर VR या एड्रीनो में से, तो एड्रीनो के GPU सबसे ज़्यादा कमाल के होते हैं। निखिल कुमार जी का अगला सवाल, 10,000 तक में बेस्ट फ़ोन जिसकी बैटरी बैकअप स्पीकर बेस्ट हो। अब स्पीकर के बारे में तो मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ बैटरी बैकअप रियलमी 5 का एकदम कमाल का लगा। पिंकू मोदी जी का अगला सवाल, सैमसंग A50 से अच्छा कैमरा किसका है सेल्फी और पिछले वाला 18,000 के अंदर। तो रियर कैमरा रियलमी एक्स और फ्रंट कैमरा मुझे Vivo S1 का ज़्यादा अच्छा लगा गैलेक्सी A50 के कंपैरिजन में। टैक मान जी का अगला सवाल, आपको कंपनी स्मार्टफोन देती है या आप अलग से लेते हो अनबॉक्स करने के लिए, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। तो अभी तक तो किसी भी कंपनी ने मुझे कोई स्मार्टफोन नहीं दिया। हाँ, पिछले हफ्ते 2 रिव्यू यूनिट आए थे मेरे पास, एक तो EMI का AirDots आए थे जिसका मैंने रिव्यू बनाया था, और एक EMI का Band 4 आया था, लेकिन वो Bango.com से भेजे थे। स्मार्टफोन अभी तक मुझे कोई नहीं मिला है। सोवी खान जी का अगला सवाल, A50s किसने का, मतलब कितने का है। तो A50s में आने वाले हैं दो वेरिएंट, पहला रहेगा 4GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी जिसका प्राइस है 23,000 रुपये, और दूसरा रहेगा 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी और उसका प्राइस रहेगा 25,000 रुपये। अगला सवाल, हैशटैग फोन हिंदी, हाउ टू क्लीन माई मोबाइल कैमरा लेंस, प्लीज़ टेल मी। तो मोबाइल कैमरा का लेंस अगर आपको साफ़ करना है तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि अपने घर पर ट्राई ना करें, क्योंकि उसके लिए फ़ोन नहीं खोलना पड़ेगा लेकिन आपको कैमरा लेंस वहाँ से निकालना पड़ेगा, जिसके लिए थोड़ी सी हीट आपको अपने कैमरा लेंस पर देनी पड़ेगी, और वो हीट आप घर पर तो नहीं दे सकते, वो आएगी हॉट गन से जो कि मैकेनिक के पास आपको मिल जाएगी। तो मैं तो यही आपको सजेशन दूंगा, मार्केट में किसी मोबाइल शॉप पर जाकर वहीं पर अपना कैमरा लेंस रिपेयर करा लें या क्लीन करा लें। अगला सवाल, हैशटैग फोन हिंदी, फ्रेंड आई वांट टू बाय हाई जूम कैमरा मोबाइल वेयर टेलीफोटो लेंस इज देयर विच कैन आई बाय प्लीज टेल मी। तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि फ्लैगशिप फोन खरीद सकते हैं आप सैमसंग के नोट 10 प्लस या फिर सैमसंग का गैलेक्सी S10 और S10 प्लस, लेकिन अगर आपका उतना बजट नहीं है तो फिर तो स्मार्टफोन Redmi K20 Pro और Oppo Reno 2 दोनों टेलीफोटो लेंस के साथ आते हैं और आपको अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। सरगम जी का अगला सवाल, सैमसंग A50s कब तक आएगा। तो A50s कल लॉन्च हो चुका है, मेरे ख्याल से मेरे पास शायद आ जा सकता है मार्केट में, आपको कल या परसों से सेल होने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। कोलकाता तक का अगला सवाल, हैशटैग फोन हिंदी, सर प्लीज टेल मी Redmi Note 8 Pro लॉन्च डेट इन इंडिया। कुछ कंफर्म कह नहीं सकते लेकिन ऐसा लगता है कि सितंबर के लास्ट या अक्टूबर की शुरुआत में रेडमी नोट 8 और नोट 8 प्रो मार्केट में आ जाएंगे। तो यही कुछ सवाल थे इस बार की वेनेसडे वीक ऑफ सीरीज के। मुझे उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर आप चाहते हो कि आपका सवाल इस सीरीज में शामिल हो तो अपने क्वेश्चन को हैशटैग फोन हिंदी के साथ किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें। तो अगले वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।